हम लोग यहाँ पर हम रिकॉर्ड पे वर्ड का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? ठीक है, हमको इनाम हेड अकाउंट रिपोर्टिंग, व्हाट इज हेड अकाउंट रिपोर्टिंग? हेड अकाउंट द रिपोर्टिंग क्या होता है? हाँ रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस. इसमें क्या क्या होता है, व्हाट आर द ट्रांस, व्हाट इट इज इन्वॉल्व इन दैट? वीडियो ऑन रखिए ना, वीडियो वीडियो ऑन रखिए, यहाँ पर ऑन नहीं सॉरी, होगा, ऊपर क्यों नहीं होगा, ऑन रखना एकदम, वीडियो इंटरनेट सही चाहिए एकदम उनको, यहाँ पर वीडियो ऑन नहीं होगा, ऊपर में अपने आप ही बंद हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी फिर, अच्छा नहीं लगता ना सब काम, जल्दी ऑन करिए वीडियो को। व्हाट इज हेड अकाउंट रिपोर्टिंग, कौन बोलेगा? निधि को ले, व्हाट इज हेड अकाउंट रिपोर्टिंग, तुम लिखो, आकाश जैन लिखो हेड अकाउंट रिपोर्टिंग, और जो खाता तो है, हेड हाँ ठीक है, और वीडियो ऑन रखेगा सब नजर लग जाएगा फिर मत बोलना। हेड अकाउंट रिपोर्टिंग क्या होता है, निधि को ले हेड अकाउंट रिपोर्टिंग, निधि अकाउंटिंग रिपोर्ट इज द रिपोर्टिंग बाय ब्रांच टू द हेड ऑफिस अबाउट बैलेंस शीट, पीएनएल एंड डे टू डे ट्रांजेक्शन. इट कैन बी मंथली और क्वार्टरली बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस इसको रिक्वायरमेंट. ग्रुप में लिखो, इसको इसको ग्रुप में लिखो हेड अकाउंट रिपोर्टिंग, तुम क्वेश्चन नोट कर लो हेड अकाउंट रिपोर्टिंग, ठीक है, जल्दी जल्दी ग्रुप में लिखिए आप लोग हेड अकाउंट रिपोर्टिंग क्या होता है, निधि कोले आप लिखिए फटाफट, हेड अकाउंट रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, व्हाट व्हाट इज इंक्लूडेड इन द रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस? आकाश, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द सर आई रिकॉर्ड टू डेंट रिपोर्ट? सर सॉरी टू से आई डेंट स्टडी सो नॉट रिपीट भैया पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है? वो जितना भी दिया है ना तुमको रिकॉर्ड टू डेफिनेटली फ्रॉम रिपोर्ट P2, अभी तुमको ना, टुडे तुमको अभी ना 5 दिन रावण बनना पड़ेगा एकदम, बाद में राम बन जाना, अभी 5 दिन तुमको पढ़ाई करना है पूरा, अप्लाई अप्लाई कुछ नहीं, पहले फॉर श्योर कुछ, हाँ ओके हाँ पहले कुछ ज्ञान आना बहुत जरूरी है, शरीर में ना ज्ञान नहीं आएगा ना अप्लाई करके फायदा नहीं है, पहले समझ में आया ना, पूरा फॉर ज्ञान श्योर वर्दी कर लो, पूरा ज्ञान ही बन जाओ, पूरा शरीर से नीचे तक पूरा ज्ञान, सुबह उठे तो ज्ञान निकले, सुबह 8 बार निकले तो आफ्टरनून टू स्टैट और रात को ही यस फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है? कुछ नहीं है अभी ना हेड अकाउंट रिपोर्टिंग, आप लोग पीडीएफ खोल के रखिए, ठीक है? पीडीएफ खोल के रखिए जो रिकॉर्ड रिपोर्ट का था ना, जो हम दिया था, देखो पीडीएफ एक ग्रुप में डालिए, तो जो रिकॉर्ड रिपोर्ट का था, हम एक आपको दिया था ना स्क्रीनशॉट, आकाश एक स्क्रीनशॉट दिया था, यस सब सर ग्रुप में डालिए, पढ़ पढ़ के डालते हैं। हेड अकाउंट रिपोर्टिंग क्या है? इट्स अ रिपोर्टिंग बाय द ब्रांच द हेड ऑफिस ओवर द ट्रांजेक्शंस, क्या था वो, एक पीडीएफ डाली थे रिकॉर्ड टू रिपोर्ट का, अभी खत्म कर लेते पूरा, ठीक है? व्हाट इज रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस, व्हाट इज रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस, ठीक है? हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हेड अकाउंट रिपोर्टिंग इज रिपोर्टिंग विद द ब्रांच टू द हेड ऑफिस ऑफ द, अभी देखो पढ़ लो ये हेड अकाउंट रिपोर्टिंग, पढ़ लो आकाश क्या होता है हेड अकाउंट रिपोर्टिंग, पढ़ो तो क्या लिखा है, सर आप लोग कौन सा बाकी का पढ़ लो, स्क्रीनशॉट है? सर नीति को ले लिखिए ना, अभी पढ़ो हेड अकाउंट रिपोर्टिंग क्या लिखा है. ओके हेड अकाउंट रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग इज रिपोर्टिंग अ ब्रांच टू हेड ऑफिस अबाउट ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बैलेंस शीट ऑन पीरियडिक बेसिस इट कैन बी मंथली क्वार्टरली ये वाला हो गया, ठीक है? जैसे रिपोर्टिंग ओके, फिर ओके क्वेश्चन दो, प्रवीण को अभी आज इंटरव्यू दिया था, इनसे आप है ना एक्सेंचर का क्वेश्चन ले लीजिएगा, प्रवीण से सब जना, आज ये एक्सेंचर का इंटरव्यू दिया है, ठीक है? ये एक्सेंचर का इंटरव्यू दिया है, ये क्वेश्चन था कुछ, ठीक है? एक्सेंचर इंटरव्यू, ठीक है? तो एक्सेंचर का क्वेश्चन है तो इसे लीजिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मेरे को जितना आइडिया है ये सब पूछा था, कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है? ये सब क्वेश्चन पूछा है, एक मिनट, ये क्वेश्चन सबका सॉल्व करना है, ये सब पूछा है तो ओके. सेकंड क्वेश्चन क्या था, तो हेड अकाउंट रिपोर्टिंग क्या होता है, हेड अकाउंट रिपोर्टिंग क्या होता है आकाश, बोलो व्हाट इज हेड अकाउंट रिपोर्टिंग? सर हेड अकाउंट रिपोर्टिंग इज रिपोर्टिंग अ ब्रांच टू हेड ऑफिस अबाउट ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट
ऑन पीरियडिक बेसिस, इट कैन बी क्वार्टरली और हाफली और मंथली। बिना देखे बोल रहे, देख के बोल रहे हो? सर थोड़ा सा देखा था बाकी बिना अब मत देखे। देखना। हाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लोग जो पूछ रहे हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का पूछ रहा है, तो देखो सेल कितना रुपए का दिखा रहा है। देखो 10,000 का सेल दिखा रहा है, अभी हम जो स्क्रीनशॉट भेजा है, सेल 10,000 का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90,000 रुपये है, और कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 1,50,000 रुपये का। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? सेल 10,000 रुपये का हुआ है, कॉस्ट ऑफ एसेट 1,50,000 का है, डेप्रिसिएशन 90,000 का है, जर्नल एंट्री क्या होगा? एक बार आप लोग देख सोचे क्या होगा। हेलो, क्या होगा इसका जनरल यस एंट्री, क्या सर। होगा? ग्रुप में लिखो। सर कैश अकाउंट डेबिट 10,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 90,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट 50, एंड टू पैसे 1.5। प्रवीण को पूछेगा ठीक है। 90,000 का डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट पर वैसे 1,50,000 का है, 10,000 में सेल हो गया, बैंक में 10,000 आया, सही है। लॉस हुआ सर 50 का, 90 का डेप्रिसिएशन। 1,00,000 कैश कैसे होगा? सर कैश 10,000। हाँ 90,000 का, ये आप जीरो ज्यादा लगा दिए क्या? गलती हो गया कहीं ना, इसका देख लीजिए, अभी पूछा ही है। सारा 90,000, 90,000, तो गलत है, कैश भी दस वन हजार होगा, लाख एक्यूमुलेटेड डेरेशन। पीआई क्या होता है? पीआई पीएल, पीएल पीएनएल एसेट पीएनएल 50,000, टू एसेट 1,50,000। ऐसे डीरेकॉग्नाइज हो गया, सेल 90,000 हाँ सर। डेप्रिसिएशन था, बैंक सर में ऐसे दस तो हजार रिटर्न आया, ऑन वैल्यू का ही राइट ऑफ होगा। 50,000 का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट होगी क्या? लॉस हो लॉस गया हो गया सर। सर, लॉस हो गया। लॉस हो गया ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण से बिहेवियर क्वेश्चन पूछना क्या है। ठीक है, डेप्रिसिएशन पूछा है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इजी है तो डेप्रिसिएशन इजी है, क्या होगा डेप्रिसिएशन विकास, क्या होगा, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सर इट इज राइट ऑफ। सर इट इज बेसिकली राइट ऑफ इन द वैल्यू ऑफ द एसेट बिकॉज ऑफ वेयर एंड टीयर ऑफ द एसेट हाँ, ग्रुप बिकॉज ऑफ द पासेज ऑफ टाइम। में लिखो, ग्रुप में लिखो तुम इसका आंसर। ठीक है जल्दी, डेफर्ड रेवेन्यू क्या होगा, आप ग्रुप में लिखो डेप्रिसिएशन। ओके डेफर्ड रेवेन्यू क्या होगा, हिना मित्तल बताओ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर दैट आर इनकर्ड इन द करंट ईयर बट द बेनिफिट विल अलो इनफ्लो डेफर्ड टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंपनी। नहीं है, डेफर्ड रेवेन्यू है, डेफर्ड अच्छा ठीक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ी है, ना है। हाँ बोलो, डेफर्ड रेवेन्यू। सर द रेवेन्यू विच हैव बीन अर्नड बाय द कंपनी बट विच इज रिसीव्ड बाय द कंपनी बट द बेनिफिट विल फ्लो टू द कंपनी इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। काम करेगा, ये प्रवीण को फोन करो एक बार के लिए, वो आ जाता अच्छा देगा। ठीक है, फोन करो, आकाश तुम्हारा नंबर है ना, फोन करो तो प्रवीण को जल्दी से। ठीक है, तो हाँ नंबर सर। दिया था, फिर फोन करो, अच्छा रहेगा, वो बता देगा और इनसाइट्स, अभी आज इंटरव्यू दिया है वो, फोन कर लो। सर हाँ व्हाट्सएप करें या नॉर्मल कॉल करें? कॉल कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो जाएगा। हाँ सो गया तो अलग बात है। ठीक है, फिर रिस्की एरिया फॉर कंपनी क्या होता है, डेट इक्विटी फिक्स्ड एसेट्स, ये पूछा है, क्या समझ में? अक्रूअल कंसेप्ट तो पता ही क्या होता है, अक्रूअल में क्या होता है, अक्रूड एक्सपेंसेस अक्रूड गेंस है ना, अक्रूड एक्सपेंसेस और अक्रूड गेंस होगा, क्या होगा इसका आंसर लिखिए, तो अक्रूअल कंसेप्ट का आंसर लिखिए क्या होगा, फटाफट लिखिए, डेफर्ड रेवेन्यू लिखिए, अक्रूअल कंसेप्ट का आंसर लिखिए, ये सारा का रायल है, ग्रुप में लिखिए, कॉन्फिडेंस आएगा सब जन, ग्रुप में लिखिए आंसर्स को।
ये सब पूछा है एक्सेंचर में, इजी क्वेश्चन सब पूछा है, ये केस स्टडी भी पूछ लेगा क्या होना चाहिए। ठीक है, अक्रूवल कंसेप्ट लिख लीजिए, डेफर्ड रेवेन्यू लिखिए, डेप्रिसिएशन लिख लीजिए, हाँ सर, इसकी वो आ एरिया रहा है। आ रहा है ना वो, ये हाँ सब का आंसर लिख लीजिए, आप लोग टाइप कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा सबको। अक्रूवल कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है और ये क्या होता है, और एक सब्जन लिख लीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और भी अपना ग्रोथ शुरू कर लेगा। क्या था मटेरियल? हाँ अक्रूवल कंसेप्ट इसमें ही था ना जो कराए थे। देखो ये अक्रूवल्स है वो आ रहा है ना, अक्रूवल्स पढ़ो आकाश, आप लोग लिखिए ग्रुप में, अक्रूवल्स पढ़ लीजिए आकाश। हाँ पूरा पढ़िए, सर कहाँ दिख पे है? रहा है ना स्क्रीन पे, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों? क्या स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है सर, अटक बात कर रहे हो, स्क्रीन नहीं दिख रहा आप लोगों? नहीं गया है सर। सर, आप दिख रहे हैं क्या? अरे नहीं सर। आप तो दिखेगा, हाँ सर, अब दिख दिख रहा रहे है। हैं। अक्रूवल, हाँ आप पढ़िए इसको, पूरा पढ़िए। हाँ व्हाट इज अक्रूवल? अनदर वेरी फ्रिक्वेंट टॉपिक इन द लिस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रिटर्न। क्वेश्चन इज अक्रूवल्स। They are expenses and revenues that have been incurred or earned but have not been recorded in books of accounts. Adjustment entries are incorporated in the financial statements to report this at the end of accounting period. कह रहे हेलो। हाँ हो गया ना? यस ठीक है, एक बार अब बोलो, तुम बोलो, तुम लोग लिखो, बोलो तुम बिना देखे बोलो, अक्रूवल्स क्या होता है, अक्रूवल्स? सर, मैं हाँ बोलो। हाँ दीज आर बेसिकली एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज दैट हैव बीन अर्न्ड बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द ईयर बट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड मोस्टली एडजस्टमेंट एंट्रीज आर डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, आ रहा है ना प्रवीण? हाँ सर, आ रहा है वो। ठीक है, आपको ना ये आंसर बताएगा आप लोग, अनबिल्ड रेवेन्यू, अक्रूड, ये कल क्योंकि आप लोगों का शेड्यूल हो सकता है तो इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान देना, अक्रूड रेवेन्यू, आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू, और जॉनसन कंट्रोल में भी अप्लाई कर लो, जॉनसन कंट्रोल में ना करियर पोर्टल में जाके अप्लाई कर लो, जॉनसन कंट्रोल लिख लो, जॉनसन कंट्रोल। ठीक है, करियर पोर्टल में जाएगा, एक्सेंचर, जेनपैक, ये सब जो भी है ना, रिकॉर्ड रिपोर्ट बहुत हायरिंग करते हैं, आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू और डेफर्ड सर ये अच्छी रेवेन्यू। प्रोफाइल है क्या सर? भाई अभी नौकरी लगाना जरूरी है, फिर ऑफर लेटर तो आ जाए, अच्छा पूरा बाद में देखेंगे, सब अच्छा ही होता है, सब अच्छा है, रेवेन्यू, आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, इसका आंसर देखिए ग्रुप में क्या है, चार तेल के पूछता है, ठीक है ना? ठीक है, आप बोल दिया अक्रूवल कंसर्न, अक्रूवल कंसर्न बोल दिया, यस सर। अनबिल्ड रेवेन्यू, अनबिल्ड रेवेन्यू क्या होगा आप लोग लिखिए, अनबिल्ड रेवेन्यू क्या होगा आप लोग सब लिखिए ग्रुप में, सुरेश लिखिए ग्रुप में, अनबिल्ड रेवेन्यू क्या होता है, अनबिल्ड। सर मैं बोलूं, हाँ बोलो। दीज आर बेसिकली रेवेन्यू जनरेटेड और अर्न बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट विच आर नॉट रियलाइज बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट विच कैन बी रियलाइज ड्यूरिंग द ईयर एंड नॉट बिल्ड बाय द एंटिटी। रेवेन्यू विच इज इज अर्न बट नॉट बिल्ड, रेवेन्यू अर्न हो यस गया है, बिलिंग नहीं किया क्लाइंट को, लिख लो ग्रुप में, जल्दी लिखो ग्रुप में, लिखो ग्रुप में।
रेवेन्यू अर्न हो गया, नॉट बिल टू द क्लाइंट, अन बिल रेवेन्यू। एक बार गूगल भी चेक कर लेता ये ना, गलती सर। नहीं होना चाहिए। That is recognized but not yet realized. क्या लिखा है इसका आंसर? अनबिल रेवेन्यू। Invoice is yet to be billed to the customer. देखिए वही ना, इनवॉइस नहीं हुआ। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? व्हाट जर्नल एंट्री पढ़िए, अनबिल रेवेन्यू का जर्नल एंट्री क्या है इसका पढ़ Accounts लीजिए, ग्रुप receivable to revenue account. में लिख दीजिए, ग्रुप में लिखिए सब। जल्दी जल्दी ग्रुप में अपडेट करिए, आप बिना देखे लिखिए, लिखिए अनबिल रेवेन्यू जर्नल एंट्री पर अनबिल रेवेन्यू। ठीक है, ठीक है। बिजनेस रिकॉर्ड्स अनबिल रेवेन्यू फॉलोइंग द पासिंग एंट्री जनरेटेड वन बिल इज तो फॉलोइंग इन दिस पास। ये वाला थोड़ा पढ़ लीजिए, लिख लीजिए ग्रुप में बिना देखे लिखिए, बिना देखे लिखिए आकाश, अनबिल रेवेन्यू बिना देखे लिखिए जर्नल एंट्री के साथ, जल्दी जल्दी लिखिए। फास्ट, जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, जर्नल एंट्री फॉर अनबिल रेवेन्यू। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए। फिर दूसरा, दूसरा क्या था अपना? जर्नल एंट्री बहुत पूछेगा लोग। अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है अक्रूड और आउटस्टैंडिंग में? कल ही कराया था, क्या था फिर? अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम, क्या डिफरेंस है दोनों में? ड्यू एंड रिसीवेबल नॉट येट रिसीव्ड, ये वाला, ये तो आंसर उसमें था ये। क्या पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? पढ़ी आकाश पढ़िए, क्या लिखा है? The outstanding income means that amount of income which is due and receivable but not yet realized. And accrued income means that amount which has been earned is not yet due. So basically, outstanding income is due but not yet received, and accrued income is earned which is not yet due. फॉर एग्जाम्पल तुम 15 दिन ऑफिस में काम किया तो 15 दिन तुम्हारा अक्रूड इनकम हो गया, पर ड्यू नहीं हुआ है। सर। वो तुम्हारे 1 तारीख को हो जाता है, तुमको आउटस्टैंडिंग हो जाता है, पर पैसा मेरा नहीं, 5 तारीख को मिलेगा। विच इज ड्यू एंड रिसीवेबल बट नॉट येट रिसीव, ग्रुप में लिखो बिना देखे, जनरल एंट्री भी देखेगा सबका, बिना देखे लिखो, चीटिंग नहीं करके बिना देखे। इसका जनरल एंट्री भी देख लेते हैं, जनरल एंट्री पूछेगा लोग, जर्नल एंट्री क्या होगा? So for outstanding liability, which will be created. जर्नल एंट्री क्या For होगा? outstanding expenses, liability will be created. ग्रुप में लिखिए जर्नल एंट्री, अक्रूड इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम में जर्नल एंट्री क्या होगा? जल्दी जल्दी जर्नल एंट्री सबका पढ़ना जरूरी है। अक्रूड इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम में जर्नल एंट्री, एक्सपेंसेस का उल्टा हो जाएगा। हाँ, इनकम बताया तो एक्सपेंसेस अपने आप ही निकाल लेना आंसर। जर्नल एंट्री लिखे क्या होगा जल्दी से? इसका लिखता है जर्नल एंट्री, आप लोग खोजिए, आप लोग ऐसे पता होना चाहिए ना क्या लिखे हैं।
जल्दी जल्दी जर्नल एंट्री लिखिए, उनको जर्नल एंट्री चाहिए सबका, आउटस्टैंडिंग इनकम और डेफर्ड इनकम जो तो ही है ना, सबका जर्नल एंट्री लगेगा। ठीक है, क्या क्या होगा इसका जर्नल एंट्री, फटाफट लिखिए आप लोग। अक्रूड अच्छा क्या? ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है, अक्रूड इनकम टू इनकम अकाउंट, अक्रूड रेवेन्यू टू रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, और उसका क्या था, अनबिल रेवेन्यू टू रेवेन्यू था। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू अक्रूड, सही है ना जनरल एंट्री, देख लो। हाँ, गलत निकल लेना, नहीं तो बेइज्जती हो जाता है। और डबल एंट्री अकाउंटिंग पता है ना, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पता है सबको, गोल्डन रूल बताओ, गोल्डन रूल आकाश, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑन लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑन गेन्स एंड इनकम, और क्रेडिट ऑन गेन्स, डेबिट ऑन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑन गेन्स एंड इनकम। ग्रुप में लिखो गोल्डन रूल। आंसर कुछ चाहिए, व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस एग्जांपल, प्रीपेड एक्सपेंसेस विद एग्जाम्पल एंड जर्नल एंट्री। हेलो, इसका जर्नल, हाँ तुम हम लोग को बताओ भाई क्या क्या चाहिए था ना, एग्जैक्टली बताना तो बिहेवियर क्वेश्चन वगैरह में। ठीक है, आप लोग से पूछ लीजिए, बताइए, ठीक वीडियो ऑन है। कर लीजिए, पर बिहेवियर क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे वीडियो पूछा ऑन जा कर रहा है लीजिए, कि वीडियो नाइट वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार। सिर्फ हाँ वीडियो ऑन नहीं कर सकते, वीडियो क्यों, भी सर कर देंगे बाद में। बिहेवियर हाँ बोलो। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि नाइट शिफ्ट के लिए सही आप जा सकते कि नहीं जा सकते, तुम क्या बोला, हाँ तो आपसे सबसे पहला यही नाइट। हाँ, तो हम बोले हाँ ठीक है, तो नाइट शिफ्ट नाइट सबसे शिफ्ट के लिए पहला आपसे कंफर्टेबल है ना, ये क्वेश्चन पूछा ना हमको, रहेगा। तो वो पहले ये पूछा कि नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, हम कंफर्टेबल है, और नाइट शिफ्ट फिर बोलेगा आपसे कि आप सर्विस सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, क्या एक बोला तुम, बीपीओ है, एसेंचर एक सर्विस सेक्टर है, तो आप इसमें इसमें आना चाहते हैं। तो मैंने बोला ग्रोइंग सेक्टर है, इंडस्ट्री बूम कर रहा है, तो धीरे यही यही मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद बोला धीरे कि रुको रुको, ग्रुप में लिखना है, निधि को ले ग्रुप में लिखो जल्दी। पहला क्वेश्चन क्या बोला, आराम से, हाँ रबड़ी नहीं है, जल्दी जल्दी लिखो ग्रुप में भाई, सूरज जल्दी लिखो। पहला क्वेश्चन क्या था, आर यू कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सर्विस सेक्टर में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वाई आई वांट टू एसेंचर एंड ज्वाइन वाई 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 सर्विस सेक्टर एक्सटेंशन ओनली। वाई सर्विस सेक्टर, जल्दी लिखो फास्ट। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट हाँ ये था कि आप कोलकाता में रहते हैं तो आपको बैंगलोर आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम जो तो कराए फिर वही आया उसके ना, बाद हम तो बोल रहे वही हाँ आया, ज्यादातर देखा ज्यादातर ज्यादातर आप जो बताए थे वही था। तो कल उसने बताया, वही बोल रहे हम, वही वही बैंगलोर है ना। सर्विस सेक्टर इफ यू आर इन कोलकाता, तुम क्या बोला इसका आंसर, जो आपने बोला था वो मैंने वही छाप दिया। क्या बोला, बैंगलोर ग्रो कर रहा है इसीलिए, और वहाँ का
सराउंडिंग अच्छा है, मतलब सिटी अच्छा है, बहुत ग्रो कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग, यही बोला था। और हाँ फिर उसके बाद बोला था कि कितना परसेंट अश्योरेंस आप दे सकते हैं कि आप असेंचर छोड़ के नहीं जाएंगे। देखो, ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है सब। देखा बिहेवियर क्वेश्चन कितना ट्रिकी होता है। ऊपर नाइट शिफ्ट करे पहले ना करना, ना नाइट शिफ्ट कौन करेगा पहले आउट कर देगा। आई वांट डे शिफ्ट गया उसका। और दूसरा क्वेश्चन कितना, नाइट शिफ्ट कौन करता है, नहीं करेंगे ना कर देगा उसी दिन। तो नाइट शिफ्ट कर, फिर नाइट डे जो कर। नंबर वो ये भी बोलेगा फोर, एक कि बार नंबर फोर क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट अश्योरेंस यू विल गिव, यू नॉट, यू विल नॉट प्रॉपर्टी यू विल नॉट लीव असेंचर। रखा तो क्यों, क्या बोला हम बोला कि सर एक्चुअली 100% अश्योरेंस कुड नॉट बी गिवन, बट ओके यस आई केव आई एम कीपिंग अ बफर ऑफ 5%, सो 95% प्रोबेबिलिटी आई एम एंश्योरिंग ये दैट गाय द गड़बड़ कर दी। तुम पता है आंसर में गलत कर दिया तुमने। ठीक है, तुम परफॉर्मेंस नहीं पेनल्टी क्यों लगा लिया इसमें तुमने। फिर तुम तो सर 100% बोलना भी दिक्कत है ना सर। 100% बोलना था, गलती कर दी तुम। बताइए नहीं होगा तो ये कारण से नहीं होगा, गड़बड़ तो कर दी फिर वो मेरे को बोलता तुमने। है, फिर वो मेरे को बोलता है कि अगर मेरे को अगर बोला जाता, वो खुद इंटरव्यूअर बोलता है, अगर मेरे को बोलता जा बोला जाता तो हम 95% 90% प्रोबेबिलिटी रखते हैं अपना यहाँ जो अपना नहीं छोड़ने का। तो हम तो हम 100% नहीं छोड़ेगा, बोले 100%। ये कि प्रोबेबिलिटी क्या, 5% क्यों रखा है, 5% क्यों रखा है, मेरे को समझ में नहीं है। जब वरना पर 100% बोलना पड़ता है, काम खराब नहीं, कर लिए नाइन्टी तुमने फाइव तो। परसेंट मैंने बोला, मैंने तो 95% फाइव बोला। परसेंट 5% कैसे लॉजिक निकाला, मतलब कैसे कैलकुलेट किया 5%, कौन सा तो अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस तो हो सकता है, तो उस बेसिस पे सर हंड्रेड वैसे परसेंट देना भी मेरे को नाइनटी लगता है कि नाइन सही बोल दो, नहीं है, सही हंड्रेड नहीं परसेंट है। बोलना चाहिए, 100%। आई विल नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे देखो, 5% मत बोला करो, से आई विल डेफिनेटली ज्वाइन, इसका हम बता देते हैं, बोल दो आई विल डेफिनेटली ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टे इन दिस फॉर्म फॉर लॉन्ग पीरियड, बिकॉज दिस माय ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन, सर सुनिए, वर्क कल्चर। वो फिर इंटरव्यूअर बोलता है कि हम तो मेरा मेरा हम अगर अगर तुम्हारी जगह रहते तो 90% देते। तो वो तुमको ना बना रहा है, हम ही इज तो ट्राइंग सुनिए, टू तो कंफ्यूज यू। पता हाँ है पता है। तो वो हाँ तो मेरा रिप्लाई था कि अगर आप 10-15 साल से असेंचर से एसोसिएटेड है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप 90% ही देते, क्योंकि बहुत कंपनी अगर तो, वो मेरे को ऐसा बोला था कि अगर 90% अगर देते हैं हम, क्योंकि 10% इसलिए क्योंकि अगर दूसरा कंपनी मेरे को अच्छा ऑफर करेगा तो हम वहाँ चले जाएंगे। हम तुम बोले बोल दिस दिया कुड नॉट ऐसे, बी द केस। नहीं ओके। वो मेरे को बोला, वो मेरे वो को बोला, चालाक वो आदमी था जो इंटरव्यू लिया, अपना पूरा चालाक था, ऊपर रावण था पूरा। तो हम उसको बोले कि सर आई हैव व्हाट आई थिंक दैट यू विल नॉट लीव एसेंचर इन फ्यूचर सिंस यू हैव बीन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस अ पीरियड ऑफ 10 to 15 years। तो बहुत साल से 12-15 साल से काम कर रहा था। मनी इज नॉट बोला एवरीथिंग, बोल ओके देना मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैशन इज हाँ एवरीथिंग। ये मैंने बोला था। तो फिर उसके बाद बोलता है कि ये क्वेश्चन ये एक एक प्रूफ बार, एक तो अश्योरेंस में तुम लोग 100% बोलेगा गड़बड़ मत करना। सी हम आपको बता दे, हड़बड़ी मत करो, कि दिस में ड्रीम प्रोफाइल एंड आई हर्ड अबाउट द कल्चर इज वेरी गुड, सो आई विल नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन अनलेस एंड अंटिल दिस एनी सरकमस्टेंसेस एग्जिस्ट दैट इज अनदर इशू, बट आई विल नॉट बी लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन इन एनी वे। ठीक है, काम खत्म, परसेंटेज नहीं देना इसमें। ठीक है, गंदा की लगाता है, परसेंटेज क्यों देगा बेकार में, पहली बात। और दूसरा क्वेश्चन था इनका कि इफ आई आई वुड बी इन योर केस, जो आई इफ आई वुड बी इन योर केस आई वुड हैव लेफ्ट एक्सेंचर, आई वुड हैव लेफ्ट, कोई भी कंपनी ऐसे करेगा लोग, लेफ्ट एक्सेंचर इफ आई गेट अ सैलरी हाइक, तो आप लोग क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। सी एट प्रेजेंट करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर मी एंड दिस इज माई ड्रीम प्रोफाइल, ड्रीम कंपनी, एंड इट फॉर अ सैलरी हाइक ऑफ 10-20%, 50% डज नॉट रियली मैटर इफ आई एम वर्किंग रियली हार्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आई बिलीव दैट इवन एक्सेंचर विल अप्रेज माई परफॉर्मेंस एंड अकॉर्डिंगली टेक अकाउंट ऑन इन टू इट, ऐसे करके। आई विल नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन इवन फॉर 50% हाइक, आई मीन इन इनिशियल स्टेज ऑफ माई करियर एंड दिस माई ड्रीम कंपनी, ड्रीम प्रोफाइल, कितने हाइक एकदम नहीं छोड़ेगा। देखिए ऑनेस्टी भी एक चीज होता है,
हम लोग भी प्रमोशन कराते, वैसे ये होता ना कि आपने खुद दे, वैसे नहीं करता है, वही बात है। सैलरी सब कुछ नहीं होता है, ईमानदारी भी होता है। आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ मैं फर्स्ट जॉब विथ फर्स्ट जॉब देर इज मतलब इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी, स्पेशल फॉर माई पेरेंट्स। तो आई रियली होता ना, जैसे हमको 50% मिलेगा हम छोड़ देगा नहीं करेगा सर। हमने 3 साल आर्टिकल से भी एक ही फॉर्म में किया, बोलते ना तुम तो नहीं किया ना, तुम बोल नहीं सकते ठीक है। तो एक आंसर लिख लो नंबर 5 का जल्दी से आप लोग, और आप बोलो, और नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, जल्दी बोलो। हाँ नेक्स्ट है आपका, वो पूछ रहा था कि 5 साल के बाद आप क्या देखना चाहते हैं अपने ओके, व्हाट वेयर यू सी आफ्टर 5 ईयर्स, क्या बोला तुमने? आप को? बेटर पोजीशन यही बोला था। अच्छा से बोलो क्या बोला। आई सी माई सेल्फ इन अ बेटर पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस आई विल बी एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सो वॉट आई थिंक इज आई विल बी फोकसिंग ऑन द ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज एंड द लर्निंग हाँ एरियाज ये विच ठीक है, आई। हाँ ये सही है। आप लोग बाकी आंसर लिखो, वो 95% वाला काम खराब कर दिया। और नेक्स्ट, पर तुम बहुत आ दिया ना कि कुछ ऐसा, तुम ऐसे बताया ना कि 95% गिविंग 5% फॉर अनफोर्सिन सरकमस्टेंसेस एंड हाँ ऑल, ऐसे करके बोलो ये बोला था, ठीक है मैंने ये तब, बोला ठीक है था। तब, ठीक है। अनफोर्सिन सरकमस्टेंसेस कुछ हो गया है वो अलग चीज है, बट आई विल बी ज्वाइनिंग दिस। हाँ वो क्या बोला था तुमको, तुम कितना लंबा समय तक रहेगा इधर, ये ना। कितना लंबा समय तक रहेगा? ठीक है सही है। और ये सब बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा था। और फिर उसके बाद लास्ट में ये सब बिहेवियर क्वेश्चन पूछा था, और बाकी आपको जो शेयर किए थे ना और वही पूछा था मेरी जो केस स्टडी है, टेक्निकल। क्या पूछा था केस स्टडी बताओ तो एक बार। केस स्टडी मतलब कि वो आपको थोड़ा सा घुमाए, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलेगा कि इफ असेट इज सोल्ड फॉर रुपीज 1 लाख रुपीज एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन इज, हम तो शॉर्ट करके बोल रहे हैं हाँ तुम्हारा हम पढ़ा था वो, एक्युमुलेट। तुम लिखा था सेल 10,000 में हुआ है, एक्युमुलेटेड डेप्रेशन 90,000 का है, कॉस्ट ऑफ एसेट 1.5 लाख का है, क्वेश्चन तो इसका क्या एंट्री, प्रॉस्ट। तो इसका एंट्री हाँ मारने बोला तुम क्या एंट्री मारा, था। फिगर देखना पड़ेगा, फिगर हम बता रहे हैं, सेल 10,000, एंट्री एक्युमुलेटेड बताओ। डेप्रेशन 90,000, कॉस्ट ऑफ एसेट 1.5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट जो सेल किया वो अमाउंट, एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट टू पीएल, 2 PL प्रॉफिट डेबिट ऑन होगा, सेल, PL डेबिट प्रॉफिट के होगा। लॉस है जो भी है। हाँ तो ठीक पीएल है डेबिट होगा सही जो, है फिर। वही और डेफर्ड रेट नहीं पूछा, अक्रूवल कंसेप्ट पूछा, प्रीवियस क्वेश्चन। रिस्की एरिया क्या होता है, रिस्की एरिया फॉर कंपनी, मैंने तो इसका बोला क्या डेप्ट क्वेश्चन। हाँ होता है, डेप्ट हाँ डेप्ट बोला था मैंने, मैंने बोला था डेप्ट वही रूप, क्वेश्चन क्या पूछा कि व्हाट आर द रिस्की एरिया फॉर कंपनी, डेट इक्विटी फिक्स्ड एसेट विच है। वन, ऐसे करके पूछा क्या। तुम बोला हाँ डेट, हाँ विच क्यों, वन? वही हम बोला वही डेप्ट, तो फिर उसका वही वो रीजन पूछे तो हम बोले कि क्या बोला, हाँ क्या बोल क्या रहे बोला हैं, बोल, तुम बोलो ना क्या बोला। कोई कुछ हाँ बोल रहा वो ऐसे ही बोल रहे हो जो है। हाँ तो हम बोले कि आंसर कि इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा इवन इफ द कंपनी इज इन द पोजीशन ऑफ वाइंडिंग अप एंड डेट पोर्शन फॉर अ कंपनी इंडिकेट्स दैट लार्ज अमाउंट ऑफ डेट पोर्शन इंडिकेट फॉर अ कंपनी इंडिकेट्स दैट इट इज नॉट हाँ बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ एंड कंपनी सिंस द इक्विटी पोर्शन इफ इफ आई सपोज आई एम आई एम द कंपनी and I have taken lots and lots of debt, so it will create a bad impact on the users of the financial statement and the shareholders and the public, so that it will if I suppose if I invest if I invest my own money, then I will be focusing more on my business, and if I am lending that money, then there might be a situation that दूसरा का पैसा है तो कैसे भी उड़ा दो। हाँ जो ठीक है, प्रेशर भी रहता ना डेट होने से, इंटरेस्ट का प्रेशर रहता है, यू हैव टू पे इंटरेस्ट। सही है ठीक प्रवीण है। तुम सीटीसी कितना ऑफर कर रहे थे ऐसे? एट सीटीसी बोलूंगा 8 ऑफर कर रहे थे, 8 ऑफर कर रहे थे, ये लोग 8 फिक्स फिक्स्ड देगा ये था लोग, ये।
ये लोग ये फिक्स्ड सबको को गेट स्टैंडर्ड गेट फिक्स या इतना ही सीटीसी गेट फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स फिक्स्ड गेट फिक्स देगा लोग है, फिक्स्ड है। ये 1.5 लाख वेरी सबको होते हैं। एट देखो ही देते हैं और 1.5 वेरिएबल देते हैं। कल क्या होता है, ठीक है बता दो। तुम तो एचआर से बात कर लेना और भी, ठीक है एचआर से बात कर लेना, जो भी एचआर है ना एक बार के लिए, ठीक है अपना भी एक बार बात कर लेना। और कुछ नहीं पूछा ना? और कुछ नहीं पूछा था तो स्टार्टिंग में मेरा इंटरनेट कनेक्शन आ नहीं रहा था, ओके okay। ये 5 मिनट मेरा इसी में चला गया। और ये कहाँ कहाँ से हुआ ये? जूम जूम से हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट टीम से हुआ? अच्छा से भी नहीं हुआ था, वो लोग का खुद का ही पोर्टल था, मतलब उसी में ही जाके करना ओके ओके। था। ज्यादा बिहेवियर क्वेश्चन ट्रिकी था, नाइट शिफ्ट ये शिफ्ट सब हाँ हाँ करते जाना है ना, करते गया वाइस सर्विस सेक्टर, बिकॉज वाइस सर्विस सेक्टर का क्या बनना था बोल जो देना था जिसको, सर, बूमिंग हाँ इंडस्ट्री बूमिंग है, ये हाँ सब। बूमिंग इंडस्ट्री है, जेनपैक इज ग्रोइंग। जेनपैक यार में पूछा क्या, जेनपैक वाई जेनपैक नहीं, जेनपैक यार में क्या बोला तुम? वाई एसेंचर पूछा था तो मैंने बोल दिया था इट इज फॉर्च्यून 500 कंपनी, सो इट व्हाट आई थिंक इट विल डेवलप माय, वही मतलब कि ग्रोथ के ऊपर फोकस रहेगा मेरा। ठीक है भाई, ठीक आप लोग आ जाइए लिंक में, ठीक है वापिस कमेंट इज द सेम, तुम जाओ सो जाओ कोई दिक्कत।